हेलो एक्वेरियस, वेलकम टू माय चैनल टैरो डिवाइन योमी। मैं हूं शिवांगी और आपके लिए लेकर आई हूं यहां पर लव रीडिंग यू वर्सेस देम की। सो गाइस, ये कलेक्टिव रीडिंग है, जिनके साथ रेजोनेट होता है उन्होंने रखना है। एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, हमें सपोर्ट करने के लिए, थैंक यू सो मच। मेरा दूसरा भी चैनल है सिंपली शिवांगी पाटिल, उसका लिंक मैं कमेंट सेक्शन में दे दूंगी, आप वहाँ पर उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। वो एनएलपी सेशन का और व्हाट इज एनएलपी वहीं पर है, ओके। उसी चैनल पर वीडियोस हैं, ओके। उसमें भी वीडियोस डालती रहूँगी और उससे भी आप अपने आप को हील कर सकते हैं, ओके। सो जिनको भी पर्सनल रीडिंग चाहिए उन्होंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपको वहाँ पर डिटेल्स मिल जाएंगे, आप आपके रीडिंग बुक कर सकते हो। एनएलपी सेशन के लिए भी वहाँ पर है, ओके। 1-to-1 एनएलपी सेशन भी लेती हूँ, काउंसलिंग भी करती हूँ, ओके। अगर आप लेना चाहते हो तो सेम नंबर है, सेम व्हाट्सएप नंबर है, ओके। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। सो लेट्स स्टार्ट। ये कलेक्टिव है गाइज, आप मून साइन सन साइन से रीडिंग देख सकते हो, आप मैरिड हो अनमैरिड हो, ओके। एक्वेरियस, करंट सिचुएशन फॉर your partner, thank you so much. Nine of wands. So guys yahan par nine of wands, the lover, king of swords, aquarius ki energy. सो गाइज, एनर्जी इस तरह आ रही है आपकी नाइन ऑफ वॉन्ड्स, आप है ना बहुत टफ सिचुएशन से जा रहे हो, इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है, ओके। इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा टफ सिचुएशन, ओके। अपने आप को प्रोटेक्ट भी कर रहे हो, अपने आप को रेडी भी कर रहे हो इस रिलेशनशिप के लिए, कि रेडी, यस, कि या मुझे प्रिपेयर होना है, रेडी होना है, ओके। रिलेशनशिप आप ये यूनियन चाहते हो, ओके। आप ये रियूनियन का ये या जो भी है, ओके। यहाँ पर मे भी ट्विन फ्लेम जर्नी की ये आ रहा है कि यहाँ पर यही बता रहा है कि आप यूनियन और रियूनियन चाहते हो, ओके। इस तरह की एनर्जी आ रही है, हाँ। आप यहाँ पर इसलिए डिटैच हो ये पर्सन से, मे भी ये नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो सकता है, ओके। सो यहाँ पर इस तरह की एनर्जी आ रही है एक्वेरियस, कि आप यहाँ पर ये पर्सन के बारे में सोचना चाह रहे हो, या ये पर्सन की क्लियरिटी लेना चाह रहे हो, ये डिटेल्स में जानना चाहते हो, या इनका जो भी है इनके साथ में क्लियर कम्युनिकेशन करना चाह रहे हो। आपको क्लियरिटी मिल गई है, ये पर्सन को आपको क्लियरिटी देना है, इसलिए आप स्टेप लेना चाहते हो, आप आगे बढ़ना चाहते हो, आप बहुत ग्राउंडेड हो। ऐसा नहीं है कि आपको ऐसा नहीं है कि बस है ऊपरी तौर पर, ऐसा नहीं है। आपको यहाँ पर ग्राउंडेड ये रिलेशनशिप बनाना है और बहुत पैशनेट हो आप इस रिलेशनशिप के लिए, वाह। सो एक्वेरियस, इस तरह की एनर्जी आ रही है, ब्यूटीफुल। ओके, द मून। सी गाइस, यहाँ पर है कि आप यहाँ पर द मून का यहाँ पर कार्ड आया है, कि आप यहाँ पर इमोशनली अपने आप को जैसे हील करते हो आप, ओके। द मून, फुल मून या न्यू मून ऐसा कुछ है, या रिचुअल्स करते हो, इस तरह की भी हो सकती है एनर्जी, कि आप अपने आप को हील कर रहे हो और आप बड़ा कुछ सोच रहे हो, अपने आप को आप इस रिलेशनशिप से जोड़कर आप कुछ बड़ा सोच रहे हो, इस तरह की एनर्जी आ रही है, और आप अपने हर पॉइंट को क्लियर कर रहे हो आपके तरफ से, ओके। डीप मैसेज है ये द मून का, यहाँ पर एनर्जी है, ओके। अपने आप को प्रोटेक्ट भी कर रहे हो लोगों से, कि जो भी है इन्फ्लुएंसर है या फैमिली है या जो भी होंगे, ओके, इधर इर्द गिर्द आपके लोग, तो आप यहाँ पर चाहते हो कि इन लोगों से मुझे उलझना नहीं है, इन लोगों से मैं अपने आप को प्रोटेक्ट रखूँ इस रिलेशनशिप के लिए, और मैं यहाँ पर अपना फ्रीडम, अपने विजडम के साथ में ये रिलेशनशिप लूँ, ओके। सो आप पूरी तरह ट्रस्ट रख रहे हो अपने आप पर, डिवाइन के ऊपर, कि यस, ये न्यू बिगनिंग, ये जो है ब्रांड न्यू बिगनिंग, आई एम रेडी फॉर दैट। सो आप यहाँ पर इस रिलेशनशिप के लिए रेडी हो, इस तरह की एनर्जी है। आप कभी कभी इमोशनली बहुत ज़्यादा डाउन भी हो जाते हो एक्वेरियस, बट आप अपने आप को हील कर लेते हो, ओके। सो यहाँ पर देखते हैं,
आपके पर्सन की एनर्जी एक्वेरियस करंट सिचुएशन में। ओह बहुत सारे कार्ड्स हैं, ओके द हैंगमैन, ओके फाइव ऑफ वांड्स, द हाई प्रिस्टेस एंड क्वीन ऑफ वांड्स। सो सेम यहाँ पर थोड़ा सा ये पर्सन शायद मिरर एनर्जी आ रही है। ये पर्सन जो भी है, ये पर्सन है ना हैंगमैन की सिचुएशन में है। ये पर्सन सोच तो यहाँ पर पॉजिटिव, क्योंकि इस जीवन का ये बड़ा ट्विस्ट या बड़ा टर्न लेना है अगर आपसे रिलेशनशिप बनाना है। बट इनके इर्द गिर्द ना बहुत सारे इन्फ्लुएंसर बहुत हैं, या ये पर्सन ना बहुत सारे लोगों के बीच में रहता होगा, इस तरह की एनर्जी है। ओके सो ये ना किसी और का देखकर या कुछ अपना मनगढ़ंत स्टोरी बन जाती है इसके माइंड में, या हो सकता है कि कोई लोग कुछ बोलते हैं या कोई लोग क्या बोलेंगे। सो ये ना बहुत ज़्यादा सोच रहा है सोसाइटी के बारे में, बहुत ज़्यादा सोच रहा है उस, यानी फैमिली होगा या जो भी होगा कम्युनिटी होगा, वो बहुत ज़्यादा इस तरह का वो बहुत ज़्यादा सोच रहा है कि कौन क्या कहेगा अगर मैं ये रिलेशनशिप लूँगा। एक तो ये आपको बहुत ज़्यादा हैप्पी स्ट्रेस एनर्जी, मे बी आप टैरो रीडर हो सकते हो यहाँ पर, ओके एक्वेरियस। सो यहाँ पर ये पर्सन जो भी है ये आपको ना बहुत एक रिस्पेक्टफुल देखता है, इनको ऐसा लगता है कि आप ना बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो उनसे, ओके इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। सो ये भी है, या ये पर्सन है ना अपने सिचुएशन से निकलने के लिए मे बी टैरो का सपोर्ट ले रहा होगा, हो सकता है, या कोई मीडिएटर का ये सपोर्ट चाह रहा है कि ऐसा कोई तो भी बेस्ट पर्सन मिल जाए और वो बता दे कि भाई ये रिलेशन हो सकता है। ओके सो अगर ये रिलेशन यहाँ पर कंफर्म हो सकता है तो यस ये रेडी है, प्रीटी श्योर है ये पर्सन कि आपके तरफ आना चाहता है। ओके ये भी यहाँ पर रेडी है, प्रोटेक्ट कर रहा है अपने आप को। वैसे देखा जाए कहीं कहीं पर वो प्रोटेक्ट भी कर रहा है अपने आप को और रेडी भी कर रहा है कि नहीं मुझे इन लोगों से थोड़ा बचकर जाना चाहिए अगर ये रिलेशनशिप बनाना है तो। ओके सो रेडी है गाइस, वैसे देखा जाए तो एक्वेरियस। ओह सो पॉजिटिव एनर्जी आई यहाँ पर, ओके नाइट ऑफ सॉर्ड्स। सो ये पहले तो है कि अपने उलझे हुए बातों को या उलझे हुए डाउट्स को क्लियर करना चाहता है। ओके सो मे बी इसलिए ये एक्शन नहीं ले रहा है, अभी टाइम लगा रहा है क्योंकि ये इनके जो भी डाउट्स है जो भी है वो सब वो क्लियर करना चाहता है, डिवाइन के तरफ से क्लियर करना चाहता है, किसी मीडिया के थ्रू क्लियर करना चाहता है या जो भी है। तो ये रिलेशनशिप के, आपके रिलेशनशिप के जो भी डाउट्स होंगे उसके मन में चल रहे होंगे ये पूरी तरह क्लियर करना चाहता है, देन ये रेडी है। ओके ये पैशनेट एनर्जी और पैशनेट रिलेशनशिप चाहता है। ओके ये चाहता है कि या कोई भी आए फिर मुझे परवाह नहीं है। ओके बस इनको यहाँ पर कन्फर्मेशन मिल जाए, क्योंकि ये ना आपको मिस बहुत कर रहे हैं देखा जाए तो, ये बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा है, इनको ना यहाँ पर याद बहुत सता रही है, या इनको यहाँ पर ना एक दर्द हो रहा है कि शायद मैं कुछ अपने लाइफ में मिस कर रहा हूँ, कुछ तो भी रह गया है, इस तरह की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। ओह ग्रेट, अच्छी बात है। सो आएंगे ज़रूर बट टाइम लगाएंगे ये बंदा ये बंदी जो भी है। ओके सो यहाँ पर देखते हैं डिवाइन की तरफ से गाइडलाइन एक्वेरियस करंट सिचुएशन में, डिवाइन क्या बताना चाहता है एक्वेरियस को। किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओके सो एक्वेरियस आपको यहाँ पर डिवाइन अभी यहाँ पर बताना चाहता है कि आप यहाँ पर ना फोकस कीजिए अपने स्टेबिलिटी के ऊपर। ओके आप ग्राउंडेड रहिए और ग्रोथ कीजिए, अपना ग्रोथ कीजिए, ठीक है, बाकी चिंता छोड़िए। ओ माय गॉड किंग ऑफ वांड्स, पता नहीं किंग ऑफ वांड्स की किंग ऑफ पेंटिकल्स किंग ऑफ वांड्स। अगर आपको ट्रैवलिंग करना है कहीं घूमना जाना है, ओके सो जो भी है आप अपना ना लाइफ का इस रिलेशन से रिलेटेड भी हो सकता है या अपने लाइफ को उस तरह से ग्रोथ करके आगे जाना है। वाह द फूल,
ओके पहले आप ना यहाँ पर पूरी तरह थोड़ा सा रेस्टलेस हो जाइए और थोड़ा सा फ्री फ्री रहना सीख लीजिए। अपने आप को ना एक बंद कमरे में मत रखिए, अपने आप को ना ऐसे आइसोलेशन में ना रखिए, खुलकर जीना सीख लीजिए, हैप्पी रहना सीख लीजिए। यहाँ पर ये एनर्जी आ रही है, ओके। आप अपने फ्रेंड सर्कल के साथ, मैंने कहा ना, यहाँ पर सेलिब्रेशन कीजिए, कुछ खुशियाँ लाइए, बार बार एक ही एनर्जी में ना रहिए, एनर्जी को ब्रेक कर दीजिए, ओके, आगे बढ़िए, ओके। यहाँ पर इस तरह की एनर्जी आ रही है। सो डिवाइन कह रहे हैं कि आप जीत जाओगे, ज़रूर जीत जाओगे, बट अपने आप को एक नई फ्रेश एनर्जी में लाइए, ओके। बार बार वही चिंता करना, बार बार इमोशंस में जाना, बार बार वही आइसोलेशन में रखना, बार बार अपने आप को ही देखना, तो ये थोड़ा सा स्टॉप कर दीजिए। अपने आप को देखिए बट सेल्फ लव के साथ में। तो यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन आपका हो रहा है। तो यहाँ पर एक्वेरियस, मैं कार्ड लेती हूँ, थैंक यू सो मच। या माइंड, बहुत सारा रखा है आपने, बहुत सारा रखा है, बहुत कुछ चल रहा है आपके दिमाग में, ओके। जहाँ पर स्पेस ही नहीं है, कुछ जगह ही नहीं है गाइस, ओके। मैंने अभी वही कहा और वही कार्ड निकला। सो डिवाइन यहाँ पर कह रहे हैं कि इतना जकड़ चुके हो या इतना अपने आप को ना स्टक कर रहे हो एक्वेरियस आप, और अपने आप में ही उलझ रहे हो, बार बार हर चीज़ को लेकर परेशान हो रहे हो और एक मशीन के जैसे बस वर्क कर रहे हो, नहीं अपने माइंड को चला रहे हो, नहीं थोड़ा सा ब्रेक लीजिए। क्या कहा मैंने, ब्रेक थ्रू। यहाँ पर ये कार्ड है, थोड़ा सा खुलकर जिए, अभी बताया मैंने, अभी जस्ट यहाँ पर द फूल का कार्ड यही बता रहा है कि यस खुलकर जीना है, ओके। और पेशेंस रखिए, पेशेंस रखने के लिए कह रहे हैं कि यस पहले पूरी तरह ग्रोथ होने दीजिए, आपकी ग्रोथ हो जाए, ओके। आपके थॉट्स कंप्लीटली निगेटिव से पॉजिटिव हो जाए, ओके। एक एंजल्स का गाइडलाइन लीजिए, एंजल्स की हेल्प लीजिए। सो यहाँ पर जो ब्रेक थ्रू आ रहा है वो बहुत ज़रूरी है। इस सिचुएशन से निकलिए एक्वेरियस आप, प्लीज़ आप अपने खुद का ख्याल करिए, ओके। ओनली रिलेशनशिप रिलेशनशिप इतना ही नहीं है, थोड़ा सा अपने आप के लिए भी जीना सीख लीजिए, ओके। सो एक्वेरियस, मैं यहाँ पर ये रीडिंग क्लोज करती हूँ। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, नमस्ते एंड जय हिंद।